राजा वतांस है, जहां पर परिवहन विभाग की स्पेशल टीम जयपुर ने एक्सप्रेस हाईवे की 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस तरीके से स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और क्या कुछ तरीके से इन 4 गाड़ियों को अपने हिरासत में लिया है। चलिए जानते हैं अब इस खास वीडियो में। नागल राजा वतान उपखंड क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी के कैंपस से परिवहन विभाग की टीम ने निर्माण कंपनी द्वारा वाहनों का टैक्स जमा नहीं कराने को लेकर कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया गया। परिवहन विभाग की स्पेशल टीम जयपुर ने वर्ष 2020 और 21 में वामन वाहनों के चालान काटे। कंपनी द्वारा वाहनों का टैक्स जमा नहीं कराने पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में टीम का गठन कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी के कैंपस में जाकर वाहनों की जांच की और इस दौरान 4 वाहनों का बकाया टैक्स होने पर एक टेलर समेत 4 वाहनों को जब्त कर थाने में किया गया। ये कंपनी है डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसकी 52 वाहनों का मैटर ये था कि एसडीआरआई प्रकरण होता है जो हमारी स्पेशल टीम जयपुर से आती है, उनको यहाँ स्पेशल टीम ने आके 52 वाहन विदाउट वाहन थे, वो विदाउट टैक्स थे, उनको उन वाहनों को चालान बना के एसडीआर प्रकरण बन गया। जयपुर की टीम ने चालान किया टैक्स के मैटर, उसके बावजूद क्या हुआ आके एक साल तक ये मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। इस कंपनी का जो यहाँ संबंधित DTO RTO थे उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं और श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा जी, हम सितंबर 2021 में यहाँ ज्वाइन किया था, उसके बाद अक्टूबर में हम दोनों के पास नोटिस आया कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की है। उस प्रकरण के बाद हम लोगों ने टीम को गठित किया, थोड़ा विचार किया, तो अभी 26 जनवरी को वो हम लोगों ने एक टीम गठित की प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के डायरेक्शन में, मैंने और टीम 4 टीम बनाई गई थी, उसमें उनका टैक्स के संबंधी गाड़ियां वहां उनके कैंप है डायमंड ट्रांसपोर्ट जो भी कंपनी है उसके वहां जाके उस का जो मेन मकसद हमारा था कि SDR प्रकरण को समाप्त करना। हेड ऑफिस में हम लोगों को नोटिस मिल सकते पूर्व DTO और RTO के मैटर, इस वजह से उसमें स्पेशल कार्रवाई 26 जनवरी को करनी पड़ी और इस संबंध में लगभग उस कंपनी से हमारा लगभग 30 लाख रुपए आएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।